हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे चैनल पे अगर कोई भी वीडियोस पड़े तो आप उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, आपको आप उसको मिस ना कर सकें। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी के X50 की, जो गाइस जनवरी के महीने में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सो गाइस, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है लॉन्च डेट, कभी अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। सो गाइस, आज चलिए वो चाइना में लॉन्च हो चुका है। सो गाइस, चलिए आज वीडियो में आगे बने रहिए, मैं आपको इसी स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा और गाइस बताऊंगा ये स्मार्टफोन्स इसकी प्राइस और इसके सभी जो भी इसके हैं की स्पेसिफिकेशन की हाइलाइट्स में उसके बारे में बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो में आप आगे बने रहिए। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। सो गाइस, डिस्प्ले इसका 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जो जिसकी रेजोल्यूशन है 1080x2040। इस पर गाइस हमको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है। और गाइस, इसकी बैटरी की बात करें तो 4200 mAh की इसमें बैटरी है गाइस, और इसमें जो कि वूक 3.0 को सपोर्ट करती है। जो हमको गाइस बॉक्स में चार्जर मिलता है वो वूक 3.0 चार्जर मिलता है गाइस, और ये यूएसबी टाइप सी है। और गाइस, हमको इसमें कोई भी 3.5 mm का जैक देखने के लिए फ़ोन में नहीं मिलता है। सो गाइस, ये रियलमी की तरफ से एक बैड न्यूज़ है गाइस। हमको USB टाइप सी केबल से कनेक्ट करके अपने फ़ोन का MP3 या फिर आप वीडियो जो भी देखेंगे, हमको अपने USB टाइप सी केबल का हेडफोन लेना पड़ेगा या फिर हमको कनेक्टर लेना पड़ेगा अपने 3.5 mm के हेडफोन जैक के लिए। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में, जानते हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में। जो गाइस, इस स्मार्टफोन का इसका फ़ोन का वेट है वो गाइस 202 ग्राम है, जो कि स्पेसिफिकेशन से पता चला है गाइस चाइना में, जो कि पता चला कि ये 202 ग्राम का फ़ोन है। और गाइस, इसमें जो प्रोसेसर है और जानते हैं प्रोसेसर के बारे में। जो गाइस, इसमें फ़ोन में प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन का 765G है, जो कि गाइस 5G को सपोर्ट करता है। सो गाइस, इन फ्यूचर हो सकता है इंडिया में 5G बहुत सारी कंपनियां 5G लेके आएंगी सिम कार्ड नेटवर्क। तो गाइस, हम अगर आप इस फ़ोन को अगर परचेज़ करेंगे जब इंडिया में लॉन्च होगा, सो गाइस देखेंगे कि ये 5G कितना अच्छा चलता है। गाइस, अभी देखते हैं कि कब तक ये 5G कोई कंपनी प्रोवाइड कर पाती है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसमें गाइस बैक साइड में 4 कैमरे हैं और फ्रंट साइड में पंच होल के साथ आता है, जिसमें 2 कैमरे लगे हुए हैं। सो गाइस, कैमरे के हाइलाइट्स पे हम अपना फोकस करते हैं। सो गाइस, मेन जो कैमरा है इस फ़ोन का वो है 64 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर के साथ में, और जो गाइस सेकंड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है। और जो एक गाइस है थर्ड कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल का है, जो गाइस टेलीफोटो लेंस है और 2x ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है, जो कि 2.5 अपर्चर के साथ में आता है। और गाइस, जो चौथा कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का है, जो कि मैक्रो लेंस के साथ में आता है। और गाइस, जो फ्रंट कैमरा है हमारे फ़ोन में, जो फ्रंट कैमरा है गाइस, वो एक कैमरा जो मेन कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है 1 with 2.0 अपर्चर के साथ में, और जो गाइस सेकेंडरी कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल का है 2.2 अपर्चर के साथ में। सो गाइस, सेंसर्स की बात कर लेते हैं इसी फ़ोन में। सो गाइस, इस फ़ोन में हमको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, फेस अनलॉक सेंसर मिल जाता है, जायरोस्कोप मिल जाता है, एक्सेलेरोमीटर सेंसर मिल जाता है, और गाइस कंपास सेंसर और हमको प्रॉक्सिमिटी सेंसर सभी प्रकार के सेंसर देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, ये जो इस फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट है वो गाइस साइड में माउंट है, जो कि हमको लॉक अनलॉक बटन में मिलने वाला है। सो गाइस, इस फ़ोन को 3 वेरिएंट्स चाइना में लॉन्च हुए हैं, जिनकी प्राइस हम अगर इंडिया से उनको कन्वर्ट करें चाइनीज युआन को, सो गाइस इसकी प्राइस भी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, इस फ़ोन में 3 वेरिएंट लॉन्च होने वाले हैं, 8 GB और 128 GB, जिसकी प्राइस लगभग रखी है रियलमी ने चाइना में 25,000 रुपये, और 8 GB 256 GB जिसकी प्राइस है गाइस अराउंड 28,000 के समथिंग। और गाइस, जो थर्ड वेरिएंट है जो कि 12 GB और 256 GB के साथ में आता है, उसकी प्राइस है गाइस 29,999 रुपये। सो गाइस, अब देखते हैं इंडिया में कब तक आता है फ़ोन, हो सकता है उम्मीद है कि जल्दी जनवरी के महीने में ही लॉन्च होगा। सो गाइस, अभी तक कोई कंफर्म डेट नहीं हुई है। सो गाइस, यही था इसके फ़ोन के कुछ खास फीचर जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और गाइस अगर आपका कोई सुझाव आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर गाइस चैनल पे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच।